पिताजी जैसे गए तो वो यहीं पीछे तैयार ही थे। नहीं नहीं रामपाल ने देखा रेगुलर तो दादी एक मिनट रेगुलर तो यहाँ पर ये महान रहते हैं रतनगिरी ये रेगुलर यहीं इनका आवास है यही रहते हैं और इनकी एक बेटी है बाकी गार्ड रहते हैं सर इनकी तो ड्यूटी रहती है यहाँ पर ये लड़का भी रहता है ये लड़का भी रहता है उसमें हाँ उसका लड़का महंत रतनगिरी लड़की और लड़का और दो गार्ड रहते हैं उनका लड़की और परिवार नहीं है नहीं नहीं उनकी मिसेज अच्छा जो बाबा जौनपुर वाले जो महाराज जी हैं वो जी जिनके बच्चे कितने बड़े दो हैं ऐसे मतलब 15-16 आदमी थे यहाँ पर आरती हो और ये रास्ता कहाँ जाता है ये मालो डंडा ले जाता है वो भी जाता है ये भी जाता है ये 20 गांव से निकलता है लगभग और इधर कहाँ जाएगा ये लोहरपुरी इधर हरिपुर लोहरपुरी को जाती है इधर मतलब जितने जाओ उधर जा सकते हैं जोधपुर रामपुरा जैसे वहाँ जाते हैं आज का ये घटना है कल भी फिर भी ये घटना हो सकती है जी पिछड़े रहिए हम लोग बस यही रिक्वेस्ट ऐसे मतलब 15-16 आदमी थे यहाँ पर आरती हो और ये रास्ता कहाँ जाता है ये मालो डंडा ले जाता है वो भी जाता है ये भी जाता है ये 20 गांव से निकलता है लगभग और इधर कहाँ जाएगा ये लोहरपुरी इधर हरिपुर लोहरपुरी को जाती है इधर मतलब जितने जाओ उधर जा सकते हैं जोधपुर रामपुरा जैसे वहाँ जाते हैं क्या पूरा मामला देखिए यहाँ पे रामायण हो रहा था और बच्ची भी यहीं खेल रही थी और ये करीब 5 बजे के आसपास जो परिवार वाले बता रहे हैं कि बच्ची अचानक गायब हो गई तो ये लोग लगातार ढूंढते रहे और जब नहीं पाए तो ये पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ गई ये लोग रात भर ढूंढते रहे सुबह बच्ची का शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और ये एकदम बिल्कुल पास का मामला है तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी है जो यहीं आसपास का है जिसने ये घटना की है हम लोग इसको गहराई से छानबीन करेंगे और बहुत जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट करके जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि पूरा एरिया पूरे इलाके के लिए एक नज़ीर होगी ये कोई और संभावना आप देख सके किसी बीच अब देखिए ऐसा है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बिना इन्वेस्टिगेट किए किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं की जा सकती और न किसी को एलिमिनेट किया जा सकता है कि कौन इसमें दोषी है हम लोग गहराई से हर बिंदु पर हर पहलू पर छानबीन करेंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अभी जब तक मेडिकल परीक्षण नहीं हो जाता हम किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं कर सकते अभी टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है परिस्थिति को देखते हुए परिवार आशंका जता रहा देखिए आरोप तो सब सारी चीज़ें हैं हम आपसे यही कह रहे हैं कि हम कोई टिप्पणी जल्दबाजी में नहीं कह सकते ना इस बात की आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए चोटों का निरीक्षण हो जाने दीजिए सब सारी चीज़ें कहेंगे जल्दबाजी में कोई टिप्पणी उपयुक्त नहीं रहेगी कोई आदमी हो बिल्कुल
जैसे नहीं के गले बेटा चला आज का ये घटना है कल भी फिर भी ये घटना हो सकती है जी जी खड़े पीछे ये लोग बस यही रिक्वेस्ट रेगुलर तो यहाँ पर ये महान रहते हैं रतनगिरी ये रेगुलर यहीं इनका आवास है यहीं रहते हैं और इनकी एक बेटी है बाकी गार्ड रहते हैं सर इनकी ड्यूटी रहती है यहाँ पर प्रशासन की तरफ लड़का भी रहता है लड़का भी रहता है हाँ उसका लड़का महान रतनगिरी लड़की और लड़का और दो गार्ड रहते हैं उनका लड़की और परिवार नहीं है नहीं नहीं उनकी मिसेज अच्छा जो बाबा जौनपुर वाले जो महाराज जी हैं वो बहुत जी जिनकी बच्चे कितने बड़े दो हैं क्या घटना हो गई आपको यहाँ पर आरती होती थी आरती होने के बाद प्रसाद पाया लड़की ने प्रसाद पाने के बाद फिर वो लड़की इधर आई हेर पे से वो गायब हो गई फिर उसका पिता ढूंढने लगा उसकी माँ ढूंढने लगी फिर हम आए हमने ढूंढा अड़ोस पड़ोस से गाँव थे उसमें ढूंढे सब में कहीं नहीं मिली इस गन्ने में ढूंढा कहीं नहीं मिली फिर अब सुबह हम आए तो अपने छोटे भाई तो वो फिर हम गन्ने में से उठे आए जगह पर लेकर मिला और फिर एक जगह उसकी बॉडी मिली उसके मुंह में गूंजा लगा था मुंह में लड़की आपकी कौन है हमारी भाई की लड़की है भाई दाऊ है हम लड़की के वहाँ वहाँ आरती हुई आरती होने के बाद में लड़की ने पता पाया उसके पिता ने करवा पाया उसके पिता ने आरती करवाई और आरती वाले थे पानी के बाद मेरी बच्ची चली गई उसका पिता जन्नत चलाने गया ये जिस बच्चे के साथ ये घटना घटी है कौन है आपको दादी क्या हो गया था बहन रही प्रसाद खाओ और इतने से आई वह होन खेलती और होन पर से दिन मुदे दो मिनट में लौड़िया हमारी गायब हो गई आपको कैसे पता लगा सुबह सुबह हेर थे हाँ। रात भर गन्ना हेरो ना मिली लौड़िया हाँ। अब फिर तो गन्ना हेरो सुबह तो देखा बा किनारी पहनी परी मिली हमें कतई ना वो जी डंडा तक अब मुँह में डंडा घुसो गर्दन में टिके मारो मुँह में खून निकली आँखें लकड़ी घुटी नाक टूटी सब फूटा है जैसे पेटे मिन में सब में खुरचा है।